रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र शिविर 18 अप्रैल को निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। आप पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर प्रदेश उपाध्यक्ष मौर का हुआ नगरागमन, मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। और समारोह पूर्वक मनाई जाएगी भगवान परशुराम जयंती। पीड़ित मानवता के सेवार्थ जिले में अग्रणी भूमिका निभा रही रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स की ओर से जिला प्रशासन और इनर व्हील के क्लब के सहयोग से आगामी 18 अप्रैल को निशुल्क मोतियाबिंद नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर के प्रभारी रोटरी तपेश असाटी ने पत्रकार वार्ता के दौरान शिविर की जानकारी दी। आज स्पेशल हमने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम लोग निःशुल्क नेत्र शिविर जो मोतियाबिंद का होता है उसको रोटरी टाइगर्स के माध्यम से करवाने हम लोग जा रहे हैं। इसी महीने 18 तारीख को मंगलवार सिंधु भवन में हमारा ये आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और उसके लिए हमने आप लोगों के माध्यम से जन जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि जनता में अवेयरनेस आए, आँखों को लेकर जो भ्रम है उसको हम दूर करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोगों से बात पूरी वहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर के भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में 22 अप्रैल को आयोजित भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक और संगठन की महिला मंडल संध्या दीक्षित सहित सभी पदाधिकारी और स्वजातीय जनों ने भाग लिया। बैठक में जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष करिशंकर बिसेन द्वारा समाज के भवन के लिए दिए गए भूमि पर उनका समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से अभिनंदन समारोह आयोजित कर आभार व्यक्त किया जाएगा। आज बैठक का प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव के दिन अर्थात 22 अप्रैल भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव का दिन रहेगा, उस दिन क्या क्या कार्यक्रम रखना है, कैसे कैसे रखना है, उस संदर्भ में विचार विमर्श प्लस वाराणसी में नई कार्यकारिणी जो बनी है उसको किस किस तरह से सहयोग वहाँ के कार्यक्रम देना है उसके बारे में विचार विमर्श। दूसरा, अगर 30 अप्रैल को जैसा कि अपनी परंपरा रही है भगवान परशुराम जी की जयंती के बाद जो भी इतवार आता है संडे, उस दिन भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा बालाघाट में। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट बैंक मुख्यालय से कलेक्टर और बैंक प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में बैंक सीईओ आरसी पटले ने वीसी के माध्यम से जिले के 17 शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजर, संस्था प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से समीक्षा करते हुए पटले ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर राजेश कुमार नकपुरे, फील्ड अधिकारी श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा आदि उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष IS मौर्य का बुधवार को बालाघाट आगमन हुआ, जिनका शहर में पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आप पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। पार्टी बनी, इस मौके के ऊपर मैं तमाम जो आम आदमी पार्टी के नींव के पत्थर कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा करके इस पार्टी को, इसकी विचारधारा को, इसकी नीतियों को, इसके कार्यक्रमों को देश के 4 राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में पहुंचाया और लोगों की पसंद आम आदमी पार्टी को बनाया। उस काम के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को आज इस मौके पर धन्यवाद अदा करता हूं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने पर शुभकामनाएं पेश करता हूं। नगरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 निवासी पवन आहूजा को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में मंडला जिले की पुलिस बालाघाट पहुंची और आयुष चिकित्सक डॉक्टर शिवानी निषाद को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर गई। वहीं थाना उप निरीक्षक वकार खान ने बताया कि शेष आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। थाना बमनी के अपराध क्रमांक 39/23 धारा 306 IPC में मृतक वार्ड नंबर 32 का निवासी था, जिसका नाम पवन आहूजा है, जिसके द्वारा सुसाइड नोट में डॉक्टर शिवानी निषाद और अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगा के प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी,
जो हमारे केस में वांछित आरोपियाँ थी। तो आज दिनांक को तड़के हम अपनी टीम के साथ मैडम को अरेस्ट कर लिया और जल्द ही माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करवा दिया। भाजपा के 44 वर्ष पूर्ण होने पर नगर भाजपा और युवा मोर्चा मंडल के तत्वाधान में वार्ड 13 गंगानगर में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें जिला बालाघाट स्वास्थ्य समिति के चिकित्सकों सहित समस्त स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस शिविर के अंतर्गत लगभग 150 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया गया। जैसा कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है और प्रदेश नेतृत्व ने इस स्थापना दिवस को सेवा सप्ताह मनाने का पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत आज वार्ड नंबर 13 में यहाँ पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि निश्चित रूप से सुबह से ही काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लाभ लेने पहुँच रहे हैं। और यह कार्यक्रम 6 तारीख से 16 तारीख तक चल रहा है और विभिन्न कार्यक्रम, जैसे अभी बीच में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, उसके बाद रक्तदान अभियान चलाया गया, यानी पूरा सप्ताह एक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा साथ में मना रही है।